तो पीछे छोड़ो, किससे मिलने जाना गजब ही। काश पुलिस आके रोक के। नो एंट्री यार, वो तो रोई थी थोड़ा सा इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। नो कॉलेज में नहीं मिल सकता, ना मेरे पास लाइसेंस था ना मेरे पास आरसी थी, इसने जानबूझ के झूठ बोला। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो अभी दोपहर का टाइम है और सुबह में मैं शुरुआत नहीं किया था वीडियो, क्योंकि मैं सुबह में बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए। और अभी दोपहर का टाइम है, मेरे को जाना है पता है इंदरलोक। अभी थोड़ी देर पहले ही बोली थी कि जल्दी आ जाना, तू मेरे को बोल ले, तू ही बोल ले फिर। ये क्या है रे? तो गाइस अभी मेट्रो से निकल कर अभी जा रहा हूँ अम्मू का कॉलेज के पास जा रहा हूँ। उसका कॉलेज का नाम है सत्यवती कॉलेज, अभी पहुँचता हूँ उसके पास। तो गाइस अभी ना मैं इसके कॉलेज के पास आ गया, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर ही। अम्मू कहाँ जाना सर? अरे जाना कहाँ? अब मिलने जाना भैया। मिलने जाना वो लड़की देख तो पीछे। छोड़ो, किससे मिलने जाना गजब ही। अरे नो एंट्री यार। अरे तो अरे ठीक है लड़के, नो एंट्री सर, नो एंट्री। इसको लेने आया हूँ मैं। अरे अरे आप बोले हमको कि मिलना चाहते हैं, बाहर मिल रहा हूँ ना इसको, कॉलेज में नहीं मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने बुलाने आया था इसको। चलिए हाँ सॉरी, अब बाहर चलिए। ठीक है सॉरी, अंदर नहीं आ सकता। नहीं अंदर नहीं, परमिशन नहीं है। जो कॉलेज के बंदे होंगे सब उन्हीं के। अच्छा गुड, बच्चा समझा। ठीक है थैंक यू। तो भाई अंकल ने तो मेरे को डांट दिया और तुम्हारी वजह से डांट खा गया। देख लो भाई, देख लो, इसकी फोन करके फोन नहीं कर रहा था, कॉल नहीं कर रहा था। मैं यहीं खड़ी हूँ भाई, तू कुछ कर देता, कुछ कर देता। डांट गिलवा दे, मेरे को गुस्सा आ रहा था, बता रहा हूँ। भाई देख लो, अब की बार आपसे बुलाओगे ना तो नहीं आऊँगा, पहले बता रहा हूँ, सच में नहीं आऊँगा। मेरा मूड खराब हो गया सच को, तरह डांट गिलवा दी। गाइस अभी ना मैं अम्मू को लाने गया था ना, तो मेरे को डांट खाना पड़ा यार, बहुत तेज वाला। और अभी देखो इसकी स्कूटी ये रही। अम्मू इधर आओ, मेरे को डांट खिला देना, मेरे को गुस्सा आ रहा है। देखो सॉरी सॉरी क्या क्या होता है, बदतमीज लड़के की, मेरी गलती है। मैं देख रहा हूँ कुछ है, तुम बड़ा डेली आते हो, तुम्हें पूछ के तो बेटा आना चाहिए। तेरे को इससे पूछ लिया था, मैं कॉल पे ही बोल दी थी कि आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे झूठा ठहरा दो। अच्छा झूठा मैं नहीं ठहरा रहा, जो है वही बोल रहा हूँ। चलो निकालो स्कूटी, निकालो फोन पकड़ो मेरा। लड़की ने बोली कि अभी तुम पीछे बैठो, मैं चला लेती हूँ। बोले ठीक है भाई, ठीक है, मेरी बाइक आने की देरी है, जैसी आती है ना फिर मैं बताऊँ। हाँ चल चल। तो भाई लगा लेना, ये चला रहा था पीछे से, लोग कह रहे फैन फैन फैन, मेरे को लगा इसके फैन है, बट वो स्कूटी की तरफ कोई इशारा कर रहे थे, बट समझ नहीं आया वो। तो गाइस आज मैं अम्मू के पीछे बैठा हूँ और अभी पीछे 10 किलोमीटर से ये चलाई जा रही है, ठीक है। मेरे को डर है भाई कि कहीं पुलिस वाले ने रोक लिया ना, तो भाई पहले डर नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? डर नहीं है, तू बोल रहा है कि काश पुलिस आके रोक के और तेरा कंटेंट बन जाए, तू ये सोच रहा है। तो वो तो सब सोचता है भाई, जो भी ब्लॉगर होता है ना, मोटो ब्लॉगर, वो सब यही सोचते हैं कि कोई रोक ले कोई बात नहीं चलेगा। तुम्हारी खुद की होती ना गाड़ी और बाइक तो फिर तुम्हें पता लगता। अच्छा भाई देखो, पहली बात इसके पास लाइसेंस नहीं है, पहले बता रहा हूँ, अगर कोई पुलिस वाले देख रहे हो ना वीडियो, तो सबसे पहले इसका चलान आके काटे। गाड़ी नंबर तो है नहीं, तो गाड़ी नंबर इसका जैसे आएगा ना मैं आपको दे दूंगा, चलान आ जाएगा तेरे घर पे। पहले तुम आगे से ही लूंगी पैसे उसके। मेरे से लेगी, मेरे घर पे आओगे लेने? लड़की तो अच्छी चला लेती है। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे आ करके रुका हूँ, राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे हूँ, और ये लड़की वो क्या है? तो भाई अभी मैं चलाने वाला हूँ स्कूटी, ये मेरे पीछे बैठेगी। एक जगह तो पुलिस वाले ने इसका चलान भी काट दिया, मैं अब बचाया हूँ। हमारा जो मतलब कॉलेज है ना, वो कन्हैया नगर की मेट्रो स्टेशन पास में पड़ती है। अच्छा। मैंने से पूछा कन्हैया नगर से तू मेट्रो से आया है तो वहाँ पुलिस तो नहीं है, क्योंकि मुझको अपनी फ्रेंड को छोड़ना था। एक तो बचा दिया ऊपर से, नहीं चुप कर, इसने बोला नहीं है पुलिस, वहाँ लेके गई मैं, वहाँ लेके गई, पुलिस थी वहाँ पे, झूठ बोला इसने जानबूझ के, वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी और पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, वो तो इतनी मुश्किल से रो रो के मैंने अपने आप को बचाया। भाई आप देख लो, इसने जानबूझ के झूठ बोला था कि इसका कंटेंट बन जाए, इसकी वीडियो डिलीट करिए, और अब ये चाहे मेरे से लड़े। मेरी वाली अब मैं नहीं जा रहा, लो हेलमेट पकड़ो मैं जा रहा हूँ, बात सच में नहीं जाऊँगा। ये यार मेरी वीडियो सच में डिलीट होगी ना, तो फिर देख लेना, आज के बाद वीडियो बनाऊंगा ही मैं तेरे साथ। तो तुमने झूठ बोला ना मेरे से, मैंने तो तुमने जिस चीज के लिए झूठ बोला। अच्छा, फिर मैं वो तुम्हारा अच्छा, कंटेंट कैसे डालने दूँ? वो तो रोई थी थोड़ा सा इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, ना मेरे पास लाइसेंस था, ना मेरे पास आरसी थी, ना मेरे पास स्कूटी का नंबर था, ट्रिपलिंग कर रहे थे ऊपर से, ये तो चाहता था कि इसका कंटेंट बन जाए और मैं इतनी अच्छी हूं नहीं कि इसका कंटेंट बन जाए। भाई ये देख मेरे हाथ तेरे सामने जोड़े, अपने कंटेंट के लिए ना मुझे मत सूली पे चढ़ा दे, पैर पकड़ो पहले, लो मेरे को देख चला, मतलब मैं नहीं चला सकता इसकी स्कूटी, मेरी नई स्कूटी है, तेरे हाथ पड़ती हूँ। अच्छा मैं गिरा दूंगा, मैं गिरा दूंगा, देख रहे हो ऐसे बेइज्जती करती है ये, मतलब यार हद है, मतलब राइडर को ऐसे बोल रही है यार। नई स्कूटी है ना, थोड़ी पुरानी होने दे,
अच्छा, मेरी भी नई बाइक आएगी तो पीछे नहीं बैठाऊंगा, कभी अर्जेंट तो आएगा बेटा। पिला मेरे को, चल प्यास लग रही है। तो अभी शिकंजी पीते हैं यहाँ से, ठीक है भैया, दो शिकंजी लगा दो। बताओ कैसे दिखाऊं? इसकी वीडियो दिखानी है। की वीडियो? ठीक है दिखा दो। ये लो बेटा आ जाओ देखने के लिए। ये देखो अभी ये भी आएंगे ना दोबारा यहाँ से होके जाएंगे, फिर तुम्हें दिखाएंगे जब डाल देंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? सुमित। सुमित चलो। तो गाइस फाइनली मैंने ले लिया हम मुख से स्कूटी। हाँ पता है ना तुम्हें, हाँ बहुत तेज भागेगा देखो। वैसे बोल रही थी नहीं दूंगा नहीं दूंगा, चुप कर क्या शुक्र क्या, ओ ज्यादा बोलो मत ठीक है। अम्मू डराऊं तुम्हें? अम्मू को आप गिराता हो तो गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि अम्मू को डराऊं या नहीं। अरे नहीं कुछ होगा, टेंशन क्यों ले रही है। देख रहे हो राइडर को ऐसे बेइज्जती कर रही है। बेटा टेंशन ना लो, 10 दिन और वेट कर लो, 10 दिन बाद बताऊंगा तुम लोगों को। अभी भाव खा रही हो ना, चल चल क्या। सही में सच बता रहा हूँ, 10 दिन बाद मेरे पास भी आ जाएगा तो फिर मैं ऐसे चलूंगा। आप कौन सा धीरे चलाऊं भाई, तेरा फोन मेरे पास नहीं है भाई, सच में नहीं है। नहीं तो मेरे पास नहीं है, मैं बेच दूंगा भाई। अम्मू का अगर फोन बेच दिया ना तो अम्मू तेरी जैसे एक स्कूटी आ जाएगी। लड़की के पास 2-2 लाख का सामान है। कोई बात नहीं बेच दे तू, मैं तेरा फोन बेच देता हूँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अम्मू को ड्रॉप करने। अम्मू की स्कूटी मैं लेके जाऊंगा आज घर। बस बस क्या सच में देख ले। अरे अंकल जी भाई स्कूटी दे नहीं दिए कि सुनाई जा रही है जब से कि धीरे चला लो ऐसे चला लो वैसे चला लो, मेरे को ही सिखाई जा रही है। भैया देख करके स्माइल कर रहे थे, स्माइल। ओ भैया आराम से आ जाओ यार। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा करोगे। तो गाइस अभी मैं आया था अम्मू के घर के पास और अम्मू गई है ऊपर से अपना कुछ सामान लाने। तो गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है भाई और अभी मैं आया था, ये अपना सामान लेने आई थी यहाँ से। रुक जाओ भैया बुला रहे हैं, वो कुछ डिस्काउंट देंगे लगता है। क्या है? नंबर दे रहे हो तो मैं वायरल कर दूँ नंबर। अभी देखो ये नीचे लिए है ना, अभी यहाँ से पहन करके जा रही है, मतलब इतना मतलब नए। अरे मेरे पास फोन है भाई, देखो कैसे बैठूं। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं वीडियो एडिट कर रहा था, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ खाया था जो प्लेट रखा पड़ा है यहाँ पे, और भाई बाइक के लिए भी पूछा था शोरूम में तो उन्होंने बताया कि यार 5-6 दिन और वेट कर लो, मतलब अपडेट कुछ भी नहीं है लेकिन वो वेट करवाए जा रहे हैं। बताओ आप लोग की KTM लेनी चाहिए या नहीं, या फिर BMW पे जाऊँ? ये दो ऑप्शन है भाई हमारे पास, ये दो ऑप्शन में से आप बताओ कौन सा बाइक लूँ। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट करो कि मैं BMW के शोरूम में गया था तो वहाँ पे पता किया था, तो वहाँ पे अब बाइक भी अवेलेबल है और 2023 की मॉडल है तो वो मेरे को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब KTM के पास भी जा रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ पे गया बुक भी करा रखा हूँ भाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। मतलब शोरूम वाला तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने दिल्ली में भी बात किया तो दिल्ली वाले भी बोल रहे थे भाई अभी कोई अपडेट नहीं है, मैं भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी ना बुकिंग काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली वाले शोरूम पे भी, बहादुरगढ़ वाले पे भी। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी बाइक आ जाए जल्दी क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। ऐसे विदाउट बाइक मैंने रहा नहीं, लेकिन अभी मेरे को झेलना पड़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट करना पड़ रहा है लेकिन जल्दी आएगी, और आएगी फिर तहलका मचेगा ही मचेगा। अगर BMW के बारे में आप बोलते हो तो भाई 2 दिन में हम लेके आ जाएंगे, और अगर KTM के बारे में बोलते हो तो भाई उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आ लोग जल्दी से कमेंट में बताओ, जो भी ज्यादा कमेंट आ गया भाई वो मैं लेके आ जाऊंगा, पक्का आया या प्रॉमिस है, बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। तो चलो मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। खुश रह करो, फैमिली को खुश रखना, ठीक है। इंजॉय करो मस्त, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय, लव यू एंड बाय।